हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा टाइम नहीं हो रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज बहुत दिन बाद आज एक वीडियो लेकर आया है। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ पोर्क करी। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये पोर्क मीट लिया है। ये 700 ग्राम है ये इसमें, और साथ में लिया है मैंने ये बीन्स। ये हुआ आपका अखने, इसको बोलता है ये फर्मेंटेड सोयाबीन है। और ये हुआ आपका ओनियन, ग्रीन चिल्ली। ये हुआ आपका बेम्बू शूट। और ये हुआ आपका टोमेटो। और ये हुआ आपका गार्लिक जिंजर पेस्ट। सबसे पहले मीट डालेंगे इसमें। मीट जो है इसको बिना ऑयल फ्राई करेंगे। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे सही 7 मिनट होने तक। अभी मीट थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया और भी फ्राई करना है। मेरा भी ब्राउन हो चुका है, शायद आप लोग को आसान से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना टेन मिनट के ऑयल निकल रहा है। ये सब मीठा ऑयल है। तो अभी इसमें डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये वो गार्लिक जिंजर पेस्ट, और ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, इसमें डालेंगे चिली पाउडर, सॉल्ट, अभी इसमें डालेंगे आपको ने एक बार, और अभी डालेंगे ये बेम्बू शूट। अभी इसमें डालेंगे टोमेटो, मैंने ये 4 टोमेटो लिया है छोटा छोटा, और ये बीन्स को भी डालेंगे। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी करी बॉईल हो रहा है। अभी ये टोमेटो को स्मैश करेंगे, ये सब हो चुका है। टोमेटो स्मैश हो चुका है ये।
तो गाइस मेरा खाली ऑलमोस्ट खूब हो चुका है, ज़्यादा पानी नहीं है अभी और थोड़ा पानी ड्राई होने के लिए रखेंगे, उसके बाद मेरा खाली रेडी। तो गाइस फाइनली मेरा खाली रेडी हो चुका है, अभी सर्व करने के लिए रेडी है। अभी इसको सर्व करेंगे और बाद में इंजॉय करेंगे। तो गाइस रेडी है, अभी ट्राई करते हैं कैसे हुआ। बहुत गर्म है, बहुत अच्छा हुआ है। मेमो शूट तो गाइस अभी एंजॉय करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।